बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आज जिस ख़बर पर हमने बात करनी है वो है इंडिया की तरफ से पाकिस्तान पर गोलाबारी, पाकिस्तान के आम शहरियों को शहीद करना। भारत ने एक दफ़ा फिर लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफवर्जी की, जिसमें 6 मासूम शहरी शहीद हुए, एक हमारे फ़ौजी जवान ने भी शहादत का रुतबा पाया और तकरीबन 9 शहरी ज़ख्मी हुए हैं। अब इसके बाद जो जवाब दिया गया है भारत को, वो ईंट का जवाब पत्थर से उसको कहा जाए तो इससे भी बढ़कर है। 9 भारतीय फ़ौजी मारे गए हैं, 2 बंकर इनके तबाह हुए हैं, और यहाँ तक हुआ है कि ये जो ज़ख्मी और जो लोग इनके मारे गए, जो फ़ौजी मारे गए, उनको उठाने के लिए भी नहीं आ रहे थे खौफ के मारे, और फिर सफ़ेद झंडा लहराते रहे कि ये हम अपने ज़ख्मियों को और जो मारे गए हैं, मुर्दा हैं, उनको उठाकर यहाँ से ले जा सकें। और उस पर DGISPR ने जो बात कही है कि भाई पहले आप क्यों इस तरह से करते हैं कि आप हमारे मासूम शहरियों को निशाना बनाते हैं, जो हर तरह से जो कवानीन है, इंटरनेशनल कवानीन, उनके ख़िलाफ़ है ये चीज़, तो क्यों आप इस तरह करते हैं कि बाद में फिर आप से ये भी नहीं होता कि अपने जो आपके लोग मारे गए हैं उनको उठाकर ले जा सकें। तो अब इस पर भारत में बड़ा शोर हो रहा है, भारत बहुत बहाने कर रहा है, झूठ पे झूठ बोला जा रहा है कि जनाब यहाँ कोई टेरर कैंप्स थे जिनको तबाह करने की इन्होंने कोशिश की थी, जिसके जवाब में फिर पाकिस्तान ने उनके इतने फ़ौजी मार दिए हैं। हकीकत यह है कि DGISPR ने भी ये बात कही है कि हमारी तरफ आज़ाद कश्मीर में आप जब चाहें आएँ, इंटरनेशनल जितने भी लोग आना चाहें, इदारे आना चाहें, सहाफ़ी आना चाहें, वो आकर देख लें। हत्ता के 4 साल की एक बच्ची है कायनात भी, वो भी इसमें शहीद हुई है। वो कौन सी टेररिस्ट थी? और जितने भी सिविलियन शहीद हुए हैं, एक एक का डाटा मौजूद है, उसकी उम्र, उसका नाम, सब कुछ, और उनके जसद खाकी मौजूद हैं, उनकी मैयतें मौजूद हैं, आकर देख लें। ये औरतें 60-60 साल की बूढ़ी औरतें, क्या ये दहशतगर्द थीं? औरतें और बच्चे इसमें मारे गए हैं भारत ने जिस तरह से किया। और 2019 में सबसे बड़ी वायलेशन है, सबसे बड़ी खिलाफ वर्जी है ये लाइन ऑफ कंट्रोल की जो भारत ने अब की है, और उसके जवाब में सबसे भरपूर जवाब भी आया है। तो अब जो DGISPR ने जो बातें कही हैं, इसमें पैगाम क्या है? इसमें पैगाम ये है कि जब भी भारत की तरफ से इस तरह से एक मुहिम जुई की जाएगी, झूठ बोलकर, ये बहाने बनाकर पाकिस्तान को निशाना बनाने की, पाकिस्तान के मासूम शहरी को निशाना बनाने की कोशिश की जाएगी, तो फिर उसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। एक इसमें बात यह भी है कि पाकिस्तान कभी भी शहरियों को निशाना नहीं बनाता, कभी पाकिस्तानी फ़ौज ने ऐसा नहीं किया, और इसकी गवाही वहाँ पर मकबूजा कश्मीर में बसने वाले मुसलमान भी देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास सबूत हैं, आज़ाद कश्मीर में इजाज़त है, इनवाइट किया जा रहा है कि आए, इंटरनेशनल मीडिया देखें, इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स देखें, लेकिन भारत में हाल ये है कि अल जज़ीरा हो, वाशिंगटन पोस्ट हो, न्यूयॉर्क टाइम्स हो, दीगर इदारे हों, वो सब कह रहे हैं कि मकबूजा कश्मीर में हमें जाने ही नहीं दिया जा रहा। तो अब ना तो अपना फ़ौजियों का नुकसान दिखा रहे हैं वहाँ पर, और इसलिए भी नहीं वहाँ जाने दे रहे ताकि हकीकत पर पता ना चल जाए कि वहाँ तो बंकर्स को निशाना बनाया जाता है, और हम यहाँ बता रहे हैं, हम तो नहीं छुपा रहे, हम तो कह रहे हैं कि आकर देखो कि किस तरह हमारे मासूम शहरियों को निशाना बनाया गया, वो भी दिखा दें कि वहाँ पर क्या हुआ है। और इतनी शदीद गोलाबारी की भारत ने, उसके बाद फिर जब पाकिस्तान ने जवाब दिया है, फिर उनको उनकी अक्ल ठिकाने आ गई है। लेकिन ये क्यों भारत कर रहा है? देखिए, एक तो इसकी जाहिर है कि जो भारत को दबाव का सामना इंटरनेशनली, कि अब वो वहाँ पर मीडिया में नहीं जाने दे रहा, तो अब वो इस तरह से ये लाइन ऑफ कंट्रोल पर ये वाक़यात करके तवज्जो वहाँ से हटाना चाहता है, मकबूजा कश्मीर में जो वो जुल्म और सितम कर रहा है कि अब 80 दिन हो गए हैं तो वहाँ पर कर्फ्यू नाफिज है, और जिस तरह लोगों पर जुल्म किया जा रहा है, वहाँ कोई जा ही नहीं सकता, लोगों को मारा जा रहा है, रोज़ाना 2-4 लोग शहीद कर दिए जाते हैं, तो एक तो इससे तवज्जो हटाने के लिए, दूसरा वो देख रहा है कि इस वक्त पाकिस्तान में माहौल क्या बन रहा है, क्यों अब आकर 2019 में सबसे बड़ी वायलेशन अब क्यों की गई है। 2019 का जो साल है, जो अब इख्तिताम की तरफ है, इतनी बड़ी वायलेशन कभी नहीं की LOC की, इतनी शदीद फायरिंग, इतनी शदीद गोलाबारी भारत की तरफ से कभी नहीं हुई। उसकी वजह यह है कि वो माहौल देख रहा है कि पाकिस्तान में ये जो धरना और जो अपोजिशन इकट्ठी हो रही है, जिस तरह से बातें हो रही हैं, जो सब कुछ कहा जा रहा है, वो ये सुनहरी मौका देख रहा है कि पाकिस्तान में जिस तरह से कोई इंटरनल डिस्टेबलाइजेशन अगर हो, हम उसको वहाँ से गोलाबारी करके उसको बढ़ावा दें और पाकिस्तान को कमज़ोर करने की कोशिश करें। तो ये एक बहुत बड़ी चाल है भारत की कि यहाँ पर हम दबाव डालें बॉर्डर पर,
और ताकि अंदर देखिए मुल्क अंदर से भी जब वो देख रहे होंगे कि शायद यहाँ शायद इंशाल्लाह होगा कुछ नहीं, लेकिन फिर भी एक ख्वाहिश तो है भारत की हमेशा से कि अंदर एक दफ़ा फिर अपोजिशन इकट्ठी हो रही है और कुछ माहौल बन रहा है इंतशार का अंदर, तो ठीक है इससे हम फ़ायदा उठाएँ और LOC पर भी हम माहौल को गर्म कर दें ताकि हालात पाकिस्तान में ख़राब हो सकें, पाकिस्तान की मईशत को तबाह किया जा सके। कि इंटरनली तो चलो पॉलिटिशन्स कर रहे हैं, अपोजिशन कर रही है, और यहाँ एक्सटर्नली हम काम शुरू कर दें। तो ये प्लान है भारत का, इस ये जो मौलाना फजलुर रहमान साहब जो कर रहे हैं इससे वो भरपूर फ़ायदा उठाना चाह रहा है भारत। ये असल कहानी है इस सारी सोच के पीछे कि 2019 में उसने इतनी शदीद गोलीबारी क्यों की है। ये दो वजूहात हैं, एक पाकिस्तान में जो इंटरनल माहौल है, दूसरा मकबूजा कश्मीर से तवज्जो हटाने के लिए। लेकिन जो जवाब उसको मिला है अब काफ़ी अरसे तक तो उसके जो होश हैं वो ठिकाने ही रहेंगे, लेकिन जाहिर है कि एक आदत होती है, एक सरिश्त होती है, खसलत होती है किसी की, वो उससे बाज नहीं आ सकता। लेकिन जब भी इस तरह की हरकत होगी तो उसका जवाब भरपूर दिया जाएगा। अल्लाह हाफिज़।